तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वाला वीडियो, जिसमें दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा, एडिटिंग का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों, अगर आप कोई फोटो खींचते हो, फोटो कैप्चर करते हो, तो आपका फेस थोड़ा ब्लैक में आता है या थोड़ा काला आप लगते हो, तो दोस्तों आज मैं वही सिंपल ज़्यादा बता दूँ कि वही मैं बताया हूँ कि आप अपने फोटो को कैसे ज़्यादा गोरा बनाओगे, उस पर इफेक्ट कैसे डालोगे, उस पर ब्राइटनेस का साइन कैसे लाओगे और अच्छा वाला। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो में जितनी चीज़ें दिखाई गई आप केयरफुली देखिएगा और लाइक इस वीडियो को जरूर करिएगा। तो दोस्तों वीडियो को आप देखते रहिए। तो दोस्तों अगर आप एंड्रॉइड में एडिटिंग की बात करें तो आपके पास पिक्सआर्ट एप्लीकेशन होगा। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद फोटो को चूज़ कर लीजिए और उसका ये देख लीजिए, ये है हमारा फोटो एस आर के सर, ठीक है। तो फिर दोस्तों मैं थोड़ा सा कर देता हूँ क्रॉप, इसका रेशियो सही से लगा देता हूँ। चलिए इसको थोड़ा हम क्रॉप कर लेते हैं। आपका जरूरी नहीं है आप बिना क्रॉप ही कर सकते हो, कोई ज़रूरी इसमें नहीं है कि आपको क्रॉप करना ही है। मैं बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए क्रॉप कर लेता हूँ अच्छा से रेशियो मिलाने के लिए। अब देखिए ये है हमारा फोटो और दोस्तों इसको करना है हमें थोड़ा वाइट। तो दोस्तों हमें जल्दी से टूल्स में जाना है, एडजस्ट में जाना है और अभी ब्राइटनेस को नहीं बल्कि हमें कंट्रास्ट के ऑप्शन में जाके थोड़ा सा कंट्रास्ट को बढ़ाना है। जिस तरह से देखिए हम लोग बढ़ा रहे हैं और थोड़ा सा बढ़ाने के बाद सैचुरेशन में जाकर सैचुरेशन को भी हल्का सा एकदम बढ़ाना है, सैचुरेशन को भी ठीक से कर देना है, कंट्रास्ट को भी और हाईलाइट्स को थोड़ा सा ज़्यादा करना है, बस इतना सही है और फिर डन कर देना है। फिर दोस्तों देखिए अब हमारा फोटो सही हो चुका है और फिर अब हमें एडजस्ट पे जाना है और अब हमें ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। ब्राइटनेस को बढ़ाने के बाद बस इतना ही नहीं रखेंगे, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी ब्राइट हो गया है तो हमें इरेजर लेके इसको भी हम लोग जो बैकग्राउंड में ब्राइटनेस आया है उसको क्लियर कर देंगे, जिससे फ़ोटो और अच्छा लगेगा। अब पूरा ही वाइट हो जाएगा तो हमें फ़ोटो अच्छा नहीं लगेगा और सिंपली पता चल जाएगा कि हम लोग ब्राइटनेस बढ़ाए हैं, जो कि आप गैलरी से और कोई एप्लीकेशन से कर सकते हो। बट दोस्तों आपको यही ज़रूरी होता है कि बैकग्राउंड का भी जो ब्राइटनेस आता है उसको घटाएं। आवाज़ मेरा थोड़ा फंस रहा है, कफ हो गया है। अब देखिए दोस्तों हम पूरा क्लियर कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग पूरा बैकग्राउंड का जितना भी शाइन है आप क्लियर कर दीजिए और आगे का जो थोड़ा सा प्लांट्स है उसको भी क्लियर कर दीजिए और फेस का बस छोड़ दीजिए। दोस्तों अब हमारा फोटो काफ़ी अच्छा हो चुका है, आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ पिछले का तो आप पीछे करके देख सकते हो वीडियो को कि पहले एसआर के सर का फेस कैसा दिख रहा था और अब कैसा दिख रहा है। अब दोस्तों अगर आप और अच्छा चाहते हो तो इफेक्ट्स में जाइए और फिर HDR1 का चूज़ कीजिए ऑप्शन और अनशार्प को फुल कर दीजिए और फिर उसके बाद इरेजर को ले लीजिए और फेस पे जो इफेक्ट आया है उसको इरेज कर दीजिए, ठीक है। फेस पे जितना आया है इफेक्ट इरेज कर दीजिए, इससे दोस्तों हमारा फोटो का जो क्वालिटी होता है काफ़ी अच्छा लग जाता है और ऐसा लगता है कि हाँ कोई शानदार क्लिक हुआ है। मैं ये बता रहा हूँ कि आपका फ़ोटो को अच्छा इफेक्ट, ये सबसे अच्छा इफेक्ट होता है और पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ये इफेक्ट दे सकते हो। बस तो अगर आप गोरा तो हो गया, इफेक्ट बता दिया, HDR1 दोगे तो फोटो अच्छा लगेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं उम्मीद करूँगा आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।